हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत स्वागत है सबका आज के सत्र में। तो पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर थोड़ा सा रिकैप करके पांचवें अध्याय का जहां तक हमने देखा था उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है बहुत बहुत। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पांचवें अध्याय का समापन करने वाले हैं। कल हमने आधे से ज्यादा पांचवा अध्याय देखा था, अब उसके आगे का पाठ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है, हम आखिरी वाला श्लोक लेते हैं जो कल देखा था। इहै वतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो यहाँ पर भगवान ने बताया था, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। निर्दोष है यानी क्या? यानी न आसक्ति न द्वेष, निर्दोष होते हैं वे। हाँ, ना तो आसक्ति है और न द्वेष है। तो इस प्रकार जिनके मन एक समान समता में स्थित है, एकत्व में स्थित है, यानी दूसरों को वे पराया नहीं मानते, उनके अंदर भी अपने अंदर के परमात्मा को वे दूसरों के अंदर भी देखते हैं, इस प्रकार वे एकत्व देखते हैं सभी प्राणियों में, है ना। और फिर ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने मन को एकदम समतल बनाया रखा है, ना दुख में उद्वेग है ना तो सुख में अति आनंद है ना, तो इस प्रकार समभाव बनाया रखा है, उन्होंने तो जन्म मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। यहाँ भौतिक जगत में रहते हुए भी हम जन्म मृत्यु के बंधन को से छुटकारा पा सकते हैं अगर ये स्थिति आ जाए, है ना। तो वे ब्रह्म के समान निर्दोष है
और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो वे ऑलरेडी यानी आध्यात्मिक जगत में जा चुके हैं, यद्यपि वे भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से वे भौतिक जगत में दिखते हैं, लेकिन उनका स्तर इतना ऊंचा हो गया है, मानसिक स्तर, कि वे ऑलरेडी वो आध्यात्मिक जगत में जा चुके हैं। हाँ, उनको भौतिक जगह, भौतिक बंधन अभी उनके ऊपर लागू नहीं होते, भौतिक बंधन। हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों को पहले ही मुक्त मानना चाहिए। अब ऐसे व्यक्तियों के लक्षण आगे बताए हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं वे। हाँ, उनके बारे में अभी भगवान बताना चालू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, किसी को इस अध्याय का नाम याद है क्या? फट से बताइए, जल्दी से। नहीं, ओके। ये है कृष्ण भावना भावित कर्म। हम क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर 6 अध्याय तक हम कर्मयोग प्रधान अध्याय देख रहे हैं। इसमें कर्मयोग के बारे में प्रधानता से बताया गया है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के, पहले 3रे अध्याय में हमने कर्मयोग देखा, फिर 4थे अध्याय में दिव्य ज्ञान देखा, दिव्य ज्ञान की दृष्टि से कर्म कैसे करना है, और अभी 5वें अध्याय में हम देख रहे हैं कृष्ण भावना भावित कर्म, किस प्रकार हमको कृष्ण भावनामृत में का आनंद लेते हुए कर्म करना है। तो यानी यानी क्या, कि पूर्णता भक्ति में लग करके कर्म करना है, कृष्ण भावना भावित होना है, यानी भक्ति में लग करके कर्म करना है। तो यहाँ पर उनके लक्षण अब बताने जा रहे हैं भगवान। क्या बोलते हैं भगवान? न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ऐसा नहीं कि उसको उसकी मनपसंद वस्तु मिल गई तो वो बहुत हर्षित हो गया, और नहीं मिली या अप्रिय वस्तु मिली तो वो बहुत दुखी हो गया, ऐसा नहीं है। वो दोनों भी चीज पाकर संतुष्ट है, दोनों भी स्थिति में संतुष्ट है, चाहे उसको उसकी प्रिय वस्तु मिले चाहे ना मिले, चाहे उसको अप्रिय वस्तु ही स्वीकार करना पड़े, तब भी वो विचलित नहीं होता, समभाव में रहता है, वो स्थिर बुद्धि रहता है और मोह रहित है, किसी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है, वो किसी भी चीज से वो मोहित नहीं हो रहा है। हाँ, और भगवत विद्या को जानने वाला है। भगवत विद्या यानी भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या है, हमारा उनसे संबंध क्या है, और हम क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, और जीव का ईश्वर के साथ संबंध क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये सब जो जानता है वो भगवत विद्या जानने वाला कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अब और आगे उसके लक्षण बता रहे हैं। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम्, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। हाँ, अपने अंदर ही वो आत्मतृप्त है, जैसे अंदर ही अंदर वो बहुत आनंद का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो यहाँ पर ठीक है ना, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। मुक्त पुरुष को इंद्रिय सुख की कोई आकर्षण उसका रहा ही नहीं है, वो इस प्रकार से रहता है, भौतिक कार्य करता रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ समाधि बोला है तो ऐसा नहीं कोई एक जगह बैठा ही रहेगा, नहीं, वो सब कार्य करता रहेगा, लेकिन अंदर से वो आत्म सुख में रत रहेगा, हमेशा आत्म सुख का अनुभव करता रहेगा। इस प्रकार वो शरीर से कार्य करता हुआ दिखेगा, लेकिन वो अंतर मन में अपने आनंद का सुख भोगता हुआ, कृष्ण का स्मरण करता हुआ भौतिक रूप से कार्य करता रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बहुत सुखी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका सुख दुख से प्रश्न ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, समभाव रखता है वो। तो ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर असीम सुख भोगता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे आगे का। ये यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी ने एक कोट किया है, एक महान भक्त हो गए यमुनाचार्य करके, तो उन्होंने वो श्लोक दिया है, तो उसका मैं अनुवाद पढ़ती हूँ।
वो बोल रहे हैं, यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद में इसको इनलार्ज करती हूँ, तो आप लोग भी पढ़ सकेंगे। हाँ, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। यानी ऐसा जो पर ब्रह्म में लीन व्यक्ति है उसको ये इंद्रिय भोग एकदम तुच्छ लगने लगते हैं, एक एक प्रकार से घृणास्पद लगने लगते हैं। तो काम सुख तो उसमें सबसे लोएस्ट सुख मानते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसे सुख के बारे में मन में विचार भी आया तो मैं तुच्छता से थूकता हूँ और मेरे मुंह में जैसे एक गंदा सा स्वाद आ जाता है। हाँ, तो इतना ये कृष्ण भावनामृत अमृत के समान समान होता है कि उसके आगे सारे ही सुख जो इंद्रिय सुख है वो एकदम खराब लगने लगते हैं। ठीक है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो भौतिक इंद्रिय जो भी काम करने जाती है, थोड़ा सा पहले लगेगा सुख है, लेकिन उसका उसकी परिणति दुख में ही होती है। कोई भी इंद्रिय सुख ले लो, है ना, आप खाना खाने बैठते हो, अच्छा लगता है, आहा, थोड़ा सा अति हो गया तो क्या हो जाता है, वो कष्टदायक होने लगता है ना, पेट में ब्लोटिंग लगने लगती है, फिर बहुत अस्वस्थ लगने लगता, थोड़ा सा भी ज्यादा ले लो तो, है ना। तो कोई भी इंद्रिय सुख थोड़ा भी उसमें 19-20 हो जाए तो वो अपने दुख का कारण होता है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। ये क्या है, आदि अंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुधा यानी बुद्धिमान मनुष्य, आदि अंत वंत, हाँ, जिसका आदि भी है और अंत भी है, तो ऐसा क्या सुख है। कृष्ण भावनामृत कैसा सुख है, उसका अंत ही नहीं है, अंतहीन सुख है वो। हाँ, तो इसलिए चतुर व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, वो ऐसे भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख या दुख में भी भाग नहीं लेता। सुख तो क्षणिक होता है, उसके बाद दुख मिलता है ना। ये देखो भागवत का एक श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कोट किया है, भागवत में 5.5.1 में भी कहा गया है, हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त है, सुकर यानी क्या, पिग्स, है ना, सुकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर लो। एक पिता, ये मुझे लगता है आई एम नॉट श्योर, 5 5 5वें अध्याय में किसने बोला होगा, आई एम नॉट श्योर। तो चलिए, तो ये अपने पुत्र को वो एक राजा बता रहे हैं कि तुम इस इंद्रिय सुख में मत लगो, तुम दिव्य सुख को प्राप्त करो जो कि जिसका अंत ही नहीं होता, तुम्हारा जीवन उससे पवित्र हो जाएगा और तुम हमेशा सुखी रहोगे। ये तो इंद्रिय सुख तो क्या है, सुकर भी प्राप्त कर लेते हैं, यानी प्राणी जनों को भी ये सुख प्राप्त होता है, उसमें तुम रममाण मत हो, तुम दिव्य सुख की तलाश करो। फिर आगे बोलते हैं कृष्ण भगवान, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्तस्य सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है।
शरीर त्यागने के पूर्व, यानी जब तक हम ये जीवन यापन कर रहे हैं, तभी कोई व्यक्ति ये इंद्रियों वेगों को सहन कर सकता है तो फिर वो सुखी रह सकता है। तो रूप गोस्वामी नाम के एक बहुत महान गोस्वामी, गोस्वामी यानी जिन्होंने अपने इंद्रियों के स्वामी बन गए, वो इंद्रियों को जीत लिया। हाँ, तो ऐसे जो रूप गोस्वामी नामक हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य है, तो होके गए, मतलब वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक उपदेशामृत करके एक किताब जो लिखी है, जिसका आप लोग पठन करोगे तीसरे लेवल में, तो वहां उसमें लिखा है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीं से शिष्यात्। यानी जिन्होंने ये छह वेग कौन से बोले हैं, वाचो वेगम, वाचा यानी अपने बोलने की जो शक्ति है उस पर कंट्रोल, वाचा, हाँ, वाचो वेगम मनसा मन पर कंट्रोल, क्रोध, हाँ, क्रोध पर कंट्रोल, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम यानी खाने की लालसा, खाने की है, जिह्वा और वाचा एक ही काम करते, एक ही इंद्रिय काम करती है दोनों भी, है ना, जीभ, इसलिए जीभ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोलती भी है और खाने का स्वाद भी लेती है, इसलिए उस पर कंट्रोल पाया तो समझो कि बहुत कुछ कंट्रोल पा लिया हमने। तो वाचो वेगम मनसा मन पर कंट्रोल, तीसरा वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तीसरा कंट्रोल है क्रोध पर, फिर जिह्वा वेगम यानी खाने पर कंट्रोल, जिह्वा वेगम उदर उधर यानी पेट पर कंट्रोल, यानी आधा पेट ही खा लो और फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होती, हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा है ना, एकदम अति खा लिया, हाँ, पेट की कैपेसिटी से ऊपर खा लिया तो वो अच्छा नहीं है ना। तो उदर और उपस्थ, उपस्थ यानी जननेन्द्रिय, ठीक है, तो ये जब आदमी छह चीजों में कंट्रोल करता है, तो रूप गोस्वामी ने बोला है कि वो पृथ्वी पर, पृथ्वी के कहीं भी जाकर शिष्य बनाने के लायक हो जाता है, यानी सबका गुरु बन सकता है। तो उसी के आधार पर, मतलब उसी के लाइन पर ये वाला श्लोक है, तो यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ठीक है, तो ये अब क्या हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी कहते हैं क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है, इंद्रियों का स्वामी हो गया है, गो यानी इंद्रिय और स्वामी यानी मालिक, है ना, तो गोस्वामी कहलाता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही संयमित जीवन जीते हैं और पूरा अपना जीवन आध्यात्मिक, इसमें आध्यात्मिक प्रगति में लगाते हैं और साथ साथ दूसरों को भी भक्ति में लाते हैं, तो ये बहुत बड़ा परोपकार है ना। चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम सभी लोग, कि हमने भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, भारतवर्ष में मनुष्य जन्म, एक तो मनुष्य जन्म ही बहुत दुर्लभ है, उसमें ऊपर से भारतवर्ष में जन्म लिया है, तो फिर ऐसे जीवन को व्यर्थ मत गवाइए और क्या करिए, करी परोपकार, यानी क्या कि सब जगह अपनी भक्ति का, भक्ति को फैलाइए, कृष्ण भावनामृत को फैलाइए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। ठीक है, योन्त सुखोन्तरा रामस तथांतर ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर है ना, जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है। अब आप बोलोगे अंतकरण में सुख का अनुभव यानी कैसे, तो जब भक्ति में आएंगे ना हम लोग, भक्ति में जब प्रगति करते हैं ना, तो वो अनुभव होता है हमको। हाँ, किस प्रकार का, कि हम हर समय बिना कारण के, कोई कारण नहीं लगता आनंद के लिए, आनंद तो हमारी स्थिति है, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद स्वरूप, सत यानी इटर्नल, हमेशा रहने वाला अविनाशी, चित यानी ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण है हमारी आत्मा, और आनंद, आनंद यानी सुखमय अनुभव, ये हमेशा, ये हमारा स्वरूप है,
असली ओरिजिनल स्वरूप है, लेकिन इस पर हमारा जो भौतिक कल्मश जो बैठ गए हैं उसके कारण हम उस अनुभव आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकते। तो जब हम भक्ति में आते हैं और भक्ति में सारे कार्य करने लगते हैं, तब ये हमारा आवरण धीरे 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 निकलने लगता है और जो आत्मा के स्वरूप का आनंद है, अंतकरण में सुख का अनुभव जो है वो हम अनुभव कर सकते हैं। तो जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, खाली पीली नहीं बैठते ऐसे लोग, ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हाँ, तो ऐसे लोग कर्मठ कहलाते हैं और अंतकरण में ही रमण करता है। उसको कोई ऐसा नहीं कि अरे टीवी नहीं चल रहा तो बोर हो रहा, उसको जरूरत ही नहीं, चालू होगा तो उसको लगेगा अरे ये डिस्टर्बेंस है, मैं तो अपने आप में रममाण हूँ, है ना। तो उसको कोई उसके लिए बाहरी कोई भौतिक जगत की चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, वो अंतकरण में ही रमण करता है। तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है उसका, उसका लक्ष्य भी उसके अंदर ही छुपा हुआ है। वो अपने लक्ष्य को जानता है कि मुझे कहाँ तक प्रगति करना है, मुझे कैसे प्रगति करना है, कैसे मैं जब आ, आ, माला जप करूँ तो हर बार हर शब्द के साथ मुझे उस वाइब्रेशन से आनंद मिले, है ना। ये सब वो जानता है, उसका लक्ष्य उसको पता है, अंतर्मुखी है उसका लक्ष्य। तो ऐसा व्यक्ति सचमुच पूर्ण योगी है, वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार वो मुक्ति पा लेता है। तो उसके लिए वो अंतकरण में ही सुख ढूंढता है, बाहरी नहीं, बाहरी भौतिक जगत में कोई सुख नहीं, अंदर अपना सुख है ये वो जानता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। तो ऋषया ब्रह्म निर्वाण ऋषया क्षीण कल्मशः, ऋषया ने अंतर से क्रियाशील रहने वाले, जो अंदर ही अंदर क्रियाशील है, वो बाहरी जगत के क्रिया में भौतिक दृष्टि से दिखते हैं लेकिन उसके अंतर क्रिया उनकी ज्यादा चलती रहती है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये सारे लक्षण बता रहे हैं भगवान 20वें श्लोक से, है ना, कि जो ब्रह्मभूत ब्रह्म में लीन है व्यक्ति, उसके लक्षण क्या है। तो ऐसे द्वैत से ये लोग परे रहते हैं, उसमें वे ध्यान नहीं देते, द्वैत से ऊपर उठ गए हैं। द्वैत यानी क्या कि सुख दुख जो अपोजिट्स है जीवन के। तो संशय से उत्पन्न होने वाले उनके मन में कोई संशय नहीं है कि मैं ये योग्य रास्ते पर हूं, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इस प्रकार के संशय उसके उनके मन में नहीं है। और उनके मन साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है। अब आप बोलेंगे जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, तो बहुत लोग ना समाज कार्य करते हैं, गरीबों के लिए कार्य करते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन फिर भी उनकी लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। उनकी लिमिटेशन क्या है, वो अपने देहात्म बुद्धि से ही सारे काम कर रहे हैं, है ना, कि वो अपने को भी देह मान रहे हैं और सामने वाले को भी देह मान रहे हैं। ये गरीब व्यक्ति है, ये धनिक व्यक्ति है, और यहाँ पर ये बीमार व्यक्ति है, एक प्रकार से शरीर के लेवल पर ही उनका काम होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो कैसे कल्याण कार्य करता है, वो लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाने की कोशिश में लगा रहता है। तो वो सबसे टॉप मोस्ट कल्याणकारी कार्य, हाँ, सबसे टॉप मोस्ट। अब आप सोचिए कि एक दिन खाना दे दिया, 4 दिन खाना दे दिया, तो 5वें दिन उसको फिर से भूख लगने ही वाली है ना, तो कितने दिन आप खाना दोगे। आज बीमारी का इलाज कर दिया, फिर से वो बीमार होने ही वाला है ना। तो इस प्रकार ये तो बहुत टेम्पररी चीजें हो गई, लेकिन असली कल्याण किसमें है व्यक्ति का, उसको कृष्ण भावनामृत में लाने का ये कार्य जो है वो असली परोपकार का कार्य है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि करी परोपकार, तो उपकार यहाँ पर परोपकार किसके लिए बोला है, कि हर एक को कृष्ण दो, हर एक के जीवन में कृष्ण को लाओ, तब वो असली स्वरूप में सुखी होंगे।
हाँ, बाकी तो भौतिक चीजें तो होगी ही, भगवान ने सबके लिए सफिशियंट दिया हुआ है। देर इज एवरीथिंग वॉट वी नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, है ना, जो लालच के कारण हमने सब कमियां उत्पन्न करके रखी है। नहीं तो भगवान चींटी को भी खिलाता है, हाथी को भी खिलाता है। हाथ चींटी को कण भर लगता है, हाथी को मन भर लगता है, फिर भी अपने आप, वो जंगल में अगर रहते तो अपने आप सब कुछ मिलता है ना उनको, हमको भी मिलेगा। हाँ, हमारे लिए भी बहुत सफिशियंट है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, लालच में आकर हम अपना घर भर लेते हैं। तब फिर दूसरे लोगों के लिए कहीं तो भी कमी हो जाती है। हम कदर नहीं करते हैं, पानी बहाते हैं बहाते हैं, है ना, उसकी कदर नहीं करते। जानवर लोग जितना आवश्यक है उतना ही लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लग्जरी में कितना सारा वेस्टेज करते हैं हर चीज का। उसके लिए सारी कमियां जो हो जाती, शॉर्टेजेस जो हो जाते हैं, वो हमारे मानवों के कारण है, मनुष्य के कारण है, क्योंकि हम ईशावास्य का सिद्धांत ही नहीं जानते और उसका अनुसरण तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो इसलिए ये जो कल्याण कार्य है ये महत्वपूर्ण है। कौन सा, उसको कृष्ण दो, हर एक को कृष्ण दो, वो अपने आप उनके जीवन में इतना बदलाव आएगा, वो सुखी हो जाएंगे हमेशा के, मतलब परमानेंटली सुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो सबसे एक तो क्रोध तो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है ना, हमने तीसरे अध्याय में देखा था ना, अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य इच्छा न रहते हुए भी कोई कोई पाप कर्म करता है, ऐसा लगता है जैसे उसको कोई जबरदस्ती कोई कार्य करवा रहा है, तो ऐसा कौन है। तब भगवान ने जवाब दिया था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धिन इह वैरिणम। यानी जानो कि तुम्हारा शत्रु कौन है, काम और क्रोध, हाँ, ये तुम्हारे शत्रु है। हाँ, और फिर बाद में भगवान ने बताया था वो कहाँ छुपे रहते हैं शत्रु, इंद्रिय मन और बुद्धि, इन जगह पर वो शत्रुओं का छुपने का स्थान है, तो उनको तुम वहां से भगा दो, बाहर निकाल करो, बाहर निकाल दो और इस प्रकार से उनसे मुक्त हो जाओ। ठीक है ना, तो ये हमने तीसरे अध्याय में देखा था। तो यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं कि क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो अभी हमको इतना ज्ञान होने लग गया है, आप लोग भी पांचवें अध्याय तक आ गए हैं, देखिए तो हम जानते हैं हमको भी क्रोध आता है, तो थोड़ा सा हमने रूट में जाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे क्रोध आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, हाँ, क्रोध की जड़ कहाँ है, इस क्रोध की जड़ कहाँ है, कहीं ना कहीं आप उसको ढूंढने जाएंगे ना, तो आप समझेंगे कि वो क्रोध की जड़ आपकी देहात्म बुद्धि में है। देहात्म बुद्धि यानी हम अपने आप को ये देह मानकर चलते हैं, हाँ? तो हम तो देह है ही नहीं, दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बता दिया है, हम तो देह है ही नहीं, हम आत्मा है जो अविनाशी है। ये देह तो हमको बहुत टेम्पररी समय के लिए मिला हुआ है। तो जब हम हमारा इंट्रोस्पेक्शन करते हुए पीछे जाते हैं कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है कि उसने मुझे कुछ अपशब्द कहे, वो अपशब्द कहे तो ठीक है, किसे कहे हैं, ये जो देह है जिसका नाम XYZ है, उस शरीर के लिए कहे हुए, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, ये शरीर बहुत टेम्पररी है, तो इस बात से मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए, मैं तो अलग हूं ना, है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा अपना विचार करने का हम तरीका बदलते जाते हैं जब हम भगवद गीता का अच्छे से अभ्यास करते हैं, तब और तब हमको, हम अपने क्रोध पर विजय पा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना विचारों का तरीका, जैसे हम देखते हैं भगवद गीता का प्रारंभ ही क्यों किया, क्यों हुआ, क्योंकि अर्जुन की विचारधारा ही गलत दिशा में जा रही थी,
इसलिए भगवत गीता बताई है ना। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे विचारों की जो चेन है ना, वो कहीं कहीं तो भी गलत चीज से ओरिजिनेट होती है और उसके कारण हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमारे गलत विचार हमारी समस्याओं की जड़ है। इतना हमने अगर समझ लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं, है ना। हरे कृष्णा। जसपाल प्रभु, कुछ पूछना है आपको? माता जी कंट्रोल। हरे माता कृष्ण। जी जैसे यहाँ पे एक मैं डाउट था माता जी, समझ पाऊंगा जी ब्रह्मा में मुक्ति मतलब इसका तात्पर्य थोड़ा सा हो जाए तो। हाँ, देखिए, ब्रह्मा ब्रह्मा ज्योति जो है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्म के दो तीन अर्थ निकलते हैं, जैसे कई हिंदी के शब्द के भी अर्थ निकलते हैं, दो तीन अलग अलग कंटेक्स्ट के अनुसार। तो वैसा देखा जाए तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है ब्रह्म ज्योति, यानी जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी भी होते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी का अर्थ नहीं है ये। ब्रह्मा जी तो भौतिक जगत में हो, जो जो चार सिर वाले जो हमारे देवता है ना, जो कमल के फूल जी पर है ना, वो ब्रह्मा जी अलग। ये ब्रह्म यानी एक प्रकार से वो एक एक अर्थ उसका वो भी निकल सकता है कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना। लेकिन ब्रह्म ज्योति में लीन होना ये उद्देश्य योगियों का रहता है, भक्तों का नहीं। तो यहाँ पर जो जो ब्रह्म शब्द आया है वो एक्चुअली भगवान भगवत प्राप्ति के लिए आया है। हाँ, योग्य। करना था। हाँ, योगी लोग ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छुक होते हैं, वो वहीं जाते हैं, लेकिन भक्त हमेशा भगवत प्राप्ति की ओर ही जाता है। तो यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ एक्चुअली भगवत प्राप्ति ही लेना चाहिए। यहाँ पे लिखा था ना ब्रह्म निर्वाणम, मैं यही पे हाँ, ब्रह्म लिख निर्वाण, रहा वही वो ब्रह्म निर्वाणम उच्यते, वो भी यहाँ पर था। उसका कंटेक्स्ट यही है कि भक्त है, क्योंकि ये कर्मयोगी है ना, हम कर्मयोग के अध्याय में हैं। तो और कृष्ण भावनामृत से, कृष्ण भावना भावित कर्म है ये, तो ऐसा व्यक्ति भक्त ही है, तो वो भगवत प्राप्ति की ही इच्छा रखेगा और भगवान के पास ही जाएगा। ठीक है, ये सारे जो गुण दिखाए हैं ये भगवत प्राप्ति के गुण हैं। योगी जन जो होते हैं वो ब्रह्म में लीन होने की इच्छा से अपने कार्य करते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो स यः सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के बीच में केंद्रित, मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट अभी भगवान नहीं बता रहे हैं यह है अष्टांग योग की कंसेप्ट है। हाँ, ये हम 6वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे जो आचार विचार बताए हैं कि स्पर्शान समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके और दृष्टि को भोग के मध्य में केंद्रित करके, ये सारे हैं अष्टांग योग के चरण हैं। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें आगे बताया है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये 8 अष्टांग के 8 विधियां हैं। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, इनमें ये अष्टांग योग विभाजित है। तो 6वें अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय में अंत में इसका आरंभिक विवेचन दिया गया है। अब ये जो योग में प्रत्याहार विधि से, हाँ सॉरी, योग में प्रत्याहार विधि से जो हम इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के बारे में बता रहे हैं, हाँ, तो ये प्रत्याहार तो योग में 4थी 5वीं स्टेप हुई है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में ये बिगिनिंग है। तो इसलिए भगवान अपने प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जहां पर ये बहुत आगे की बात हो रही है, अष्टांग योग के लिए आगे की बात है, वो तो कृष्ण भावनामृत में ये इनिशिएट, मतलब एकदम बिगिनिंग की बात है, ये अपने आप ही हो जाती है। ठीक है,
तो अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। कौन सी? यह अधिक उत्तम विधि है कृष्ण भावनामृत। यह अधिक उत्तम विधि है। अष्टांग योग कठिन है, ये बहुत सुखमय हम उसको कर सकते हैं, सुख सुखपूर्वक कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में भक्ति उसकी अपेक्षा क्या? अष्टांग योग की अपेक्षा। तो ये यहाँ पर इनिशिएट इसलिए किया है भगवान ने कि हम छठे अध्याय में इसका विस्तार पूर्वक हम देखने वाले हैं। और फिर भगवान खुद भी पूछते हैं कि ये अष्टांग योग के बारे में मैंने बताया, क्या तुम ये सब करने के लिए राजी हो? अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन बोलता है ये तो सब कठिन है ना। और उसके बाद फिर भगवान जो क्रिया सुखपूर्वक हो सकती है वो क्रिया है भक्ति की, उसके बारे में फिर सातवें अध्याय से भगवान बताते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है। क्या क्या बताया है? समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित होता है। लेकिन हम तो देखते हैं कृष्ण भावना का स्टार्टिंग ही है, जैसे ही हम ये माला को धारण करते हैं और अच्छे से मन से जप करने लगते, वैसे ही ये हमारा क्रोध भय और इंद्रिय नियंत्रण ये सब तो अपने आप ही होता है। तो ये ऐसा बैठकर और अपान और प्राण और अपान को एकत्रित कर एक साथ नथुनों में ये करके, ये सब तो बहुत कठिन विधि है ना। तो इसलिए फिर भगवान बोलते हैं कि भक्ति की विधि ही सुखपूर्वक तुम संपन्न कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ भगवान ने ये विषय इनिशिएट किया है, ये समझना चाहिए। थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ लेते प्रभुपाद जी का। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पक्ष पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। अपने कर्म क्षेत्र में कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है, अपने नियत कर्तव्य करते हुए, अपने काम करते हुए उसको भगवान की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। हाँ, फिर उसके बाद मुक्ति विषय उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। पांचवें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध का निराकरण करना होता है, यानी ये हुए इंद्रिय विषय है ना। ये शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध क्या है? ये इंद्रिय विषय है जो हमारे इंद्रियों को मोहित करते हैं, है ना, अपनी ओर खींचते हैं। तो ये बोलते हैं कि इन सारे इंद्रिय विषयों का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच में लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। हाँ, आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। नहीं, आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ होता है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। तो ये दोनों तरफ से बड़ा मुश्किल है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषय से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। ये तो अभी हम देखते हैं कितना कठिन है ये। कोई कर सकेगा ऐसे? आप लोगों में से कोई रेडी है ये करने के लिए? बाप रे, मैं तो नहीं हूं। ये तो हमारे लिए भक्ति का बहुत सुखपूर्वक करने का मार्ग दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, उसी का हम अनुपालन करें तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन चूंकि ये हमको भगवान कृष्ण बता रहे हैं विधियां, तो हम इनको पढ़ेंगे जरूर, लेकिन उससे समझ ये जाएंगे कि भक्ति ही सबसे अच्छी है, सबसे इजी मार्ग है भगवान तक जाने। जैसे कोई ऑफिस जा रहा है और ऑफिस में जाने के लिए उसका ऑफिस है 30वें माले पर, और सीढ़ी भी है, लिफ्ट भी है, तो बुद्धिमान मनुष्य काहे से जाएगा? सीढ़ी से जाएगा कि लिफ्ट से जाएगा? लिफ्ट से ही जाएगा ना।
तो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति योग को अपनाते हैं, क्योंकि वो फटाक से भगवान के पास ले जाती है। और सीढ़ी से जाने वाले फिर कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये ऐसी सीढ़ियां पार करते करते जब तक वहां पर ऊपर पहुंचे 30वें माले तक, तब तक एकदम थके हारे होते हैं, है ना। तो हम लोग भी जो भगवान ने बताया, बुद्धिमान लोग भक्ति योग को अपनाते हैं, तो हम लोग भी उसी को अपनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो जरूर आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों एवं देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कितना इजी फॉर्मूला दिया है भगवान ने। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि मुझे ही सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता। यज्ञ यानी कोई भी हम नियत कर्म करते हैं, अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हुए, है ना। यज्ञ ये विष्णु का भी नाम होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ भी, कोई भी क्रिया तुम कर रहे हो, उसका भोक्ता मैं हूँ, ये जानो तुम। हाँ, तुम भोक्ता नहीं हो। हाँ, अपने को क्या लगता है, हमने इतना सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं तो इसका मैं भोक्ता हूँ, मैंने घर बनाया है इसका मैं भोक्ता हूँ, हाँ, ऐसा हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं। लेकिन परम भोक्ता कौन है? भगवान है, ये हमने समझना चाहिए। घर बना है, हमारी कार आई है, नया व्हीकल आया है घर में, कुछ भी आया है, परम भोक्ता वो है। उनको अर्पण करो पहले, पहले उनका अधिकार है, ये जानो। हम तो किराएदार हैं, मैंने ये घर बनाया है अगर, तो ये कृष्ण का घर है, मैं तो यहाँ पर उनकी परमिशन से मैं रह रही हूँ। बस ऐसी मन में भावना हर समय हमको लानी है, ठीक है। तो परम भोक्ता वो है, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, यानी जितने भी तीन लोक, सारे ब्रह्मांड, सारे देवता, उनका सबसे बड़ा नियंत्रक कौन है? नियंत्रक है कृष्ण, भगवान भी नियंत्रक है सारे ही लोकों के, सारे ही देवताओं के, ठीक है। और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी मित्र है। हाँ, तो सारे जीव, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, सारे जीवों का उपकारी और हितैषी। हमारा अहित नहीं देखना चाहते भगवान, हाँ, लेकिन हम ही अपना अहित करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे उपकारी और हितैषी ऐसे मित्र वे हैं। तो ऐसा जब हम जानेंगे भगवान के रूप को, तो हम तो मन में अपने आप शांति आ जाएगी। क्योंकि देखिए, आप एक इमेजिन करिए कि आप जानते हैं आपका एक बहुत क्लोज मित्र, बहुत ही क्लोज मित्र, जिसको तो आप आधी रात में भी बिल्कुल बिना झिझक फोन कर सकते हैं, ऐसा मित्र यहाँ का पुलिस कमिश्नर बन के आया है, ठीक है। तो ये आपको मालूम है। और तब कभी जाते हुए ट्रैफिक में जाते हुए कहीं आपसे कुछ गलती हो गई, हाँ, कुछ छोटी मोटी गलती हो गई और आपको पुलिस ने पकड़ा, तब आपको मन में कोई एकदम शंका आएगी क्या? अरे बाप रे, अब क्या होगा? अरे बाप रे, अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा क्या? ये मेरे से इतना फाइन लेगा क्या? इतनी शंका आपके मन में आएगी नहीं, क्योंकि आप क्या बोलेगे, अरे मेरा मित्र है, बहुत क्लोज मित्र है, और कोई मैंने बड़ी भारी गलती तो की नहीं है, छोटी सी गलती जानबूझ के ना की हुई ऐसी हुई है, और मेरा मित्र है। तो आप मन में शांति का ही अनुभव करेंगे ना, आपको एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं आपका हितैषी मित्र वहां बैठा है, एक फोन कर देंगे तो वो जरूर आपके लिए कुछ करेगा, है ना। तो वैसा ही हमारा रिलेशन है भगवान के साथ एक्चुअली। हाँ, वो हमारे हितैषी मित्र बैठे हैं वहां पर, तो हमारा अहित कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो ये जब हमारे मन में बिल्कुल दृढ़ता से अगर हमारे मन में होगा, तो हमको बहुत शांति लगेगी मन। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसको शांति मंत्र भी कहा जाता है, शांति सूत्र रादर, शांति मंत्र नहीं, शांति सूत्र, फॉर्मूला है ये, हाँ, शांति पाने का। तो क्या, समस्त यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी मित्र, ऐसे जानकर जब भावना, ऐसी भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। बहुत सुंदर है ये श्लोक, बहुत ही सुंदर है। हाँ, तो इस प्रकार
ये हमारा अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा जी। जसपाल प्रभु कुछ पूछना है आपको? हरे नहीं, कृष्णा आप माता जी। हरे नहीं कृष्ण। माता जी, मेरा क्लियर हो गया, मतलब हाँ टेंडर हाँ थोड़ा। आपने पहले ही पूछा। हरे कृष्ण। पूनम माता जी आपको कुछ पूछना है? हरे हरे कृष्णा, मुझे ये पूछना है कि कृष्ण। आपकी आवाज बहुत कम आ रही, नहीं जा रही है बिल्कुल। हाँ अभी बेटर है। मुझे ये पूछना है कि अगर सांख्य योग को परिभाषित करेंगे साधारण शब्दों में तो उसका क्या अर्थ है सांख्य योग? सांख्य योग यानी उसमें एनालिटिकल स्टडीज है। वो एनालिटिकल स्टडी काहे का? तो जैसे भौतिक जगत, ये भौतिक जगत कौन से तत्वों से बना है ना? पंच महाभूत है, फिर पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच इंद्रिय विषय, फिर और मन बुद्धि अहंकार, ऐसे 24 तत्वों से बना हुआ ये भौतिक जगत है। और भौतिक जगत की निर्मिति कैसे हुई है ना? पहला पहला सर्ग यानी पहला फर्स्ट क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, ये सब इसका जो ज्ञान है पूरा एनालिटिकल स्टडीज, तो उसको सांख्य योग बोलते हैं, ठीक है। यानी इस एनालिसिस के द्वारा भगवान की भक्ति में जाना, तो ये एक मार्ग और है सांख्य योग, ठीक है। एनालिटिकल स्टडी जिसको कहेंगे हम, एनालिसिस करते हुए, यानी भक्ति का मार्ग ना अपनाते हुए थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए जाना है, तो उसको बोलेंगे, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा जी। रमेश प्रभु। अनम्यूट नहीं हो रहा। माता जी दंडवत प्रणाम। माता धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, बोलिए। जी, क्विज के बारे में थोड़ा पूछना था। ये हमारा ओपन ही नहीं हो रहा है, बड़े दिनों से ट्राई कर रहे हैं। कोई अरे जी अच्छा, बाकी लोगों का हो रहा है ना ऊपर? माता जी, हमारा तो हो रहा है। मेरा तो तीसरा और चौथा चौथा थोड़ा हो गया है, मतलब उसका पूरा बाकी नहीं हुआ है। अच्छा, तो रमेश प्रभु आपकी कहीं गलती हो रही है। आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो नाम दिया था प्रॉपरली, उसी नाम से आपको फिर से लॉग इन करके जाना होगा ना? वहीं से लॉग इन कर रहे हैं माता जी, पर उसमें आ रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो हमने मैसेज भी डाला है पर उसका कोई रिप्लाई हमको मिला नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैसेज कहाँ डाला है? हरे कृष्णा माता मैसेज जी। परसों तो डाला है। अच्छा, क्या के कोई कोई मदद मिली जी? लॉग इन नहीं हो रहा, प्रभु क्या जी, प्रॉब्लम है? मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको है ना, वो उसमें मेल और पासवर्ड में कुछ मिस्टेक होगी, उसकी वजह से भी नहीं होता है। तो आप एक बार उसको फिर से जांच करके और लॉग इन करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा प्रभु जी। चलिए हम और कोशिश करते हैं, देखते हैं। नहीं, ऐसा होता है, जैसे अगर आप दूसरी बार एक क्लास ले रहे हैं तो नहीं होगा, अगर फर्स्ट टाइम आपका सेकेंड लेवल है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता है। अगर फर्स्ट अच्छा टाइम आप सेकेंड क्लास ले रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पे होता है, जैसे मेल और पासवर्ड भूल जाते हैं कई लोग, तो उसको आप एक बार जाइए जीमेल में, वहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा पासवर्ड का। आपको वहां से मिल जाएगा, तो आप पासवर्ड डालेंगे तो फिर से लॉग इन होगा, आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, कोशिश करते हैं फिर बताइए। जी हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। आरती माता जी, इंडिया के 100 के बराबर आरती माता है, जी। इंडिया का 1 रुपया जो अरे आरती माता जी ने भी किया था ना हैंड्रीज। ओके ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए आरती माता जी, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। आरती माता जी अनम्यूट नहीं हो रहा है लगता है उनका, क्यों नहीं हो रहा? हरे कृष्णा। चलिए नहीं हो रहा है उनका अनम्यूट। चलिए, तो अभी प्रश्न भी नहीं है किसी के, कुछ चैट में है क्या? मैं देख लेती हूँ, चैट में भी कुछ नहीं है लगता है। नहीं, तो चलिए आज हम यहीं रुक जाते हैं। अब अगली क्लास होगी अगले सोमवार को, है ना? नेक्स्ट मंडे हम मिलते हैं, तब छठवां अध्याय चालू करेंगे। चलिए।
वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। सोमवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।